आईआईटी कानपुर, आईआईएम अहमदाबाद में पढ़ा, बढ़िया नौकरी भी की, मगर सुसाइड करने को हो गया मजबूर। लोग कहते हैं कि पैसा है तो फिर कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा पैसे से। आज के समय में पैसा कमाने और अच्छी नौकरी पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन अच्छा पैसा और अच्छी नौकरी के बाद भी लोग खुश नहीं रहते। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हम बात कर रहे हैं नोएडा के सेक्टर 128 की 39 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 10वें फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी। मरने वाले आदमी के पिता दिल्ली में रहते थे। बता दें कि नोएडा दिल्ली से सटा हुआ है। पिता को लगभग सुबह 10 बजे सिक्योरिटी गार्ड का फोन आया कि उसके बेटे ने घर में आग लगा ली है और पास के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है। पिता भागकर पहुंचे तो पता चला कि असल में कहानी कुछ और ही है। उनके बेटे ने कूद कर अपनी जान दे दी है। पिता ने बताया कि उनका बेटा मानसिक रूप से खुश नहीं महसूस कर रहा था। उसकी शादी 2014 में हुई थी, तब वो गुरुग्राम की एक प्राइवेट कंपनी में था और उसकी पत्नी हरिद्वार में एक सरकारी कंपनी में काम करती थी। कुछ समय दोनों अलग अलग रहे, फिर दोनों ने अपनी नौकरियां बदल नोएडा सेक्टर 45 में रहना शुरू कर दिया। मगर कुछ ही समय बाद दोनों में लड़ाइयां होने लगी और उन्हें एहसास हुआ कि वो एक साथ नहीं रह सकते। पिता का आरोप है कि वो उनका बेटा पत्नी के हाथों मानसिक प्रताड़ना झेल रहा था। दोनों में जब अनबन रहने लगी तो पत्नी ने पति पर घरेलू हिंसा और प्रताड़ना का केस कर दिया। मृतक के पिता के मुताबिक ये आरोप फर्जी थे। पत्नी ने कहा कि वो ये केस अभी वापस लेगी जब वो उसे 50 लाख रुपए और एक फ्लैट देगा। पति ने नौकरी छोड़ने के बाद स्टार्टअप शुरू किया, मगर वो फेल हो गया, जिसके बाद उसे काफी नुकसान हुआ था। पिता की माने तो उसके बेटे को प्लानिंग के तहत नुकसान पहुंचाया जा रहा था। उसके दो साले और ससुर ने ना सिर्फ उसके साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की, बल्कि गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी। पति इसके बाद अलग होकर सेक्टर 128 में रहने लगा था। पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज है और एक्सप्रेसवे थाना पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही वो इस मामले को सुलझा लेंगे, मगर जिन्होंने अपना बेटा खोया है उन्हें न्याय जाने कैसे मिलेगा। सुसाइड करने वाला ये इंजीनियर आईआईटी कानपुर और आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ा हुआ था। आपको बता दें कि ये दोनों ही इंस्टीट्यूट देश के टॉप रैंकिंग कॉलेज हैं, जिनमें कितने ही स्टूडेंट्स का सालों साल पढ़कर भी सिलेक्शन नहीं होता। ना सिर्फ एक पिता ने अपना बेटा खोया है, बल्कि समाज ने एक अच्छा प्रोफेशनल भी खोया है। खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। बने रहिए ददस्तक 24 के साथ। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।